हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरह हम अपने शॉर्टकट पे जो है वो स्टार्ट करने का हम एक नया पूरा कोर्स एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं कि शॉर्टकट के बारे में पूरा जो शॉर्टकट जो वीडियो एडिटर है पीसी का उसके बारे में हम पूरी एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं शुरू से लेकर एंड तक कि उसमें क्या क्या होता है। तो आपने पूरी देखनी है, पूरी प्लेलिस्ट देखनी है। थोड़ी थोड़ी मतलब वीडियोज़ जो है वो उसका ड्यूरेशन कम होगा, इसलिए आप एपिसोड वाइज भी देख सकते हैं इसको। आराम से 2-3-5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट की एक वीडियो होगी, तो आपने सिंपली उसको देख लेना है ताकि आपके पास एक स्किल आ जाए। या फिर आप एक अपने लिए अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर अगर आपको यूट्यूब पे करना है तो आप यहाँ से जो है वो एडिट कर सकते हैं। मैं भी अपनी सारी वीडियो शॉर्टकट से एडिट करता हूँ बिकॉज 4K रेजोल्यूशन तक जो है ना वो आप एडिट कर सकते हैं और उसका इंटरफेस बड़ा ही ईजी है, बहुत ईजी है। आप उसके बेसिक समझ लेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने जो है ना वो शॉर्टकट ऑन कर लेना है, ओपन कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये पूछ रहा है न्यू प्रोजेक्ट, आपने सिर्फ अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। इसे हम लिख लेते हैं शॉर्ट कट वीडियो, सही। अच्छा, फिर इसके आप वीडियो मोड रेजोल्यूशन भी ठीक कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं नीचे तक UHD कस्टम भी है, आप देख सकते हैं कहाँ तक आप इसकी जो है वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, बड़े स्मूथली कर सकते हैं आप। तो फिलहाल मैं 1080p 30 फ्रेम पर सेकेंड्स रखूँगा और सिखाने के लिए ये सही है। और रेंडरिंग भी इसकी बड़ी फास्ट है। तो सिंपली आपने सिर्फ स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो है आपने प्लेलिस्ट पे जाना है, ये लिखा हुआ है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे आप गए, फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड फाइल्स टू प्लेलिस्ट, आपने इस पर क्लिक करना है। आपकी कोई सी भी जो आपने प्लेलिस्ट में डालनी है, सपोज़ के मेरे को ये वाली वीडियो डालनी है, मेरी वीडियो है इसमें मैंने रिकॉर्डिंग की थी, तो इसको डाल लेते हैं। और उसके बाद जो है अब ये प्लेलिस्ट है ना, आप सिर्फ इधर से प्ले कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। देखिए, हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग आज की इस वीडियो। तो सिंपली देखिए, आप यहाँ से सुन सकते हैं लेकिन यहाँ पे आप किसी भी तरीके से काम नहीं कर सकते। काम करने के लिए आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा उस वीडियो को टाइमलाइन पे। तो आप कैसे याद ला सकते हैं, आपने सिंपली इसको क्लिक करके ड्रैग करना है नीचे, यहाँ पे आके छोड़ देना है आपने। सिंपली यहाँ पे आके ये जो है पूरा ये आपके टाइमलाइन पे आ जाएगा, उसके बाद आप जो भी एडिट करना चाहें इस पर कर सकते हैं। तो आपके इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे वैसे तो ज़्यादातर लोगों को समझ आ ही गया होगा क्योंकि लिखा हुआ भी है सामने। यहाँ पे आपकी स्क्रीन आ जाएगी जो कि आप छोटी बड़ी कर सकते हैं ऐसे ऐसे, तो आपके हिसाब से जो आपको, या फिर अगर आप डुअल स्क्रीन पर करते हैं तो एक स्क्रीन पर ये खोल लीजिए और दूसरे स्क्रीन पर वो। तो यहाँ पर लेफ़्ट राइट आपके जो है वो एयर पीस, यानी कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो लेफ़्ट कान में और राइट एयर पीस में कैसी सुनाई देगी वो सब लिखा हुआ है। इसको आप बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ पे वही प्ले पॉज का बटन है, यहाँ पे सिंपली आपकी टाइमलाइन है जिस पे आपको काम करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको सिर्फ मैंने सिखाया है कि टाइमलाइन पे किस तरह डालें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।